मम्मी जी बस अब बहुत हो गया है। जिस दिन से मैं इस घर में शादी होके आई हूँ ना, इन्होंने मेरी नाक में दम करके रखा हुआ है। अब मैं एक ही रसोई में इनके साथ खाना बिल्कुल भी नहीं बना सकती हूँ। अरे तू मेरे साथ क्या खाना नहीं बना सकती, बल्कि मैं ही तेरे साथ एक रसोई में खाना नहीं बनाना चाहती। थोड़ा सा काम करती है रसोई में और इतनी गंदगी फैला देती है, बाद में उसे साफ मैं ही करती हूँ। तुम दोनों के रोज रोज के झगड़ों से ना मैं परेशान हो गई। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता कि तुम दोनों ना लड़ो। मम्मी जी लड़ाई मैं नहीं करती हूँ, हमेशा लड़ाई की शुरुआत इनकी तरफ से होती है। इनको बहुत अच्छे से पता है मैं रसोई में काम कर रही हूँ। आने के बाद ना अपनी टांग अड़ाने लग जाती है, ये बना ये नहीं बना, हमेशा मेरे खाने में कमियां निकालती रहती है। आप ना मेरी जेठानी हो, जेठानी बन के रहो। मम्मी जी आपने तो मुझे कभी रोका टोका नहीं, बस मैं नहीं इनके साथ एक रसोई में काम कर सकती। तुझे क्या लगता है मुझे शौक है तेरे साथ एक ही रसोई में काम करने का, बल्कि मैं तो तेरे साथ एक मिनट खड़े होकर राजी भी नहीं हूँ। मम्मी जी मैंने आपको कितनी बार बोला है हम दोनों के चूल्हे अलग कर दो। तुम दोनों आए दिन कहते रहती हो मेरा चूल्हा अलग कर दो, मेरा चूल्हा अलग कर दो। मैंने तुम लोगों का चूल्हा अलग कर दिया तो मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगी। अरे मम्मी जी आप कैसी बातें कर रहे हो, हम आपको थोड़ी ना कहीं भेज रहे हैं। हम दोनों का चूल्हा अलग हो जाएगा ना तो हम दोनों मिलकर आपको खाना दे दिया करेंगी। हाँ मम्मी जी ये ना बिल्कुल ठीक कह रही है, अगर हमारे चूल्हे अलग हो जाएंगे ना हम दोनों मिलकर आपको खाना दे देंगे। आप खाने की ना बिल्कुल भी टेंशन ना लो, कम से कम जो ये रोज रोज के झगड़े होते हैं उनसे छुटकारा तो मिलेगा। चूल्हे अलग होने से आप भी खुश और हम दोनों भी खुश। ठीक है बहू, तुम दोनों का यही आखिरी फैसला है तो आज से तुम दोनों का चूल्हा अलग। आज अकेले किचन में काम करके कितना मजा आ रहा है। मुझे कहती थी मेरे साथ खड़े होके काम ही नहीं कर सकती, अच्छा मम्मी ने हमारे चूल्हे ही अलग कर दिए। अब अपनी मर्जी का बनाओ और अपनी मर्जी का खाओ, कम से कम कलेश से तो मुक्ति मिली। फाइनली मम्मी, आज मम्मी जी ने हम देवरानी जेठानी का चूल्हा अलग कर ही दिया है। मैं बड़ी परेशान हो गई थी अपनी जेठानी से, आपको तो पता ही है मम्मी मैं कितनी हेल्थ कॉन्शियस हूँ। ये सब्जियों में इतने मसाले तेल डालती थी ताकि मैं खाना पाऊँ। अब मैं किचन में खुल के कुकिंग कर पाऊंगी और अपने मन पसंद का खाना भी बना पाऊंगी। अच्छा हमारे चूल्हे अलग हो गए, अब बच्चे गए नानी के घर, अब मैं और मम्मी तो है, हम दो जनों के लिए स्पेशली क्या रोटी सब्जी बनानी, आज हम बना के खाएंगे मैगी। जब से इन दोनों के मैंने चूल्हे अलग कर दिए तब से मेरी बड़ी दुर्गति हो रही है। 2 बज गए अभी तक खाना नहीं आया, जिस चीज का मुझे डर था वही हो रहा है। वैसे एक बात तो है, फ्रूट्स बहुत अच्छे आए हुए हैं और ऑरेंज तो मुझे वैसे भी बहुत पसंद है क्योंकि ऑरेंज खाने से चेहरे पे आता है बहुत ही प्यारा सा निखार। चलो मम्मी ने भी अच्छा करा हम दोनों के चूल्हे अलग करके, अब अपनी मर्जी से बनाओ या ना बनाओ क्या फर्क पड़ता है। मम्मी जी ये लो गर्मा गर्म मैगी, आज बच्चे गए हैं नानी के घर, मैं अकेली ही तो थी, मैंने सोचा क्या स्पेशल रोटी सब्जी बनानी, आपके और अपने लिए ना मैगी बना लेती हूँ, ये लो खा लो। बहू तुझे तो पता ही है मैं मैगी नहीं खाती हूँ। मम्मी जी आपके तो नखरे ही नहीं खत्म होते, आपको अच्छे से पता है कि अब हमारे ना चूल्हे अलग हो गए हैं तो जो मिलता है वो खा लिया करो, नखरे बहुत करते हो आप। आप ऐसा करो आपको नहीं खानी ना तो डॉली से मांग लो, मैं तो जा रही हूँ। छोटी बहू। हाँ जी मम्मी जी। आज तूने खाने में क्या बनाया है? खाने में क्या बनाया मम्मी जी, मैंने तो खाने में कुछ नहीं बनाया, और वैसे भी अभी की बारी तो भाभी जी की थी आपको खाना देने की, मेरी बारी तो रात को होती है, आप अभी क्यों मुझसे खाना मांग रहे हो। मैंने तो फ्रूट से ही खा लिया है और मैं क्यों अकेले के लिए खाना बनाती अभी। और मम्मी जी एक बात सुन लो, अगर आपको मुझसे खाना मांगना होता ना तो रात को ही मांगा करो, दिन में मत मांगा करो, क्योंकि दिन में आपको खाना देने की बारी ना भाभी जी की होती है ना कि मेरी। ठीक है बहू जैसे तुम लोगों की मर्जी। क्या बताऊं बहन, मेरे तो 2-2 बहुएं होते हुए भी मुझे ढंग से खाना नहीं मिलता, इससे अच्छा बेटा ही ना होते तो ठीक था। हाँ डॉली तू बिल्कुल ठीक कह रही है, हमारे आपस में तो कोई लड़ाई थी ही नहीं, थोड़ी बहुत जो लड़ाई थी वो चूल्हे को लेके होती थी या फिर खाने पीने को लेके होती थी, वो भी मम्मी ने अच्छा किया हमारे चूल्हे अलग कर दिए। हाँ भाभी जी आपकी बात ठीक है, हमारा चूल्हे का कलेश तो दूर हटा, पर जो नया स्यापा पड़ गया उसका क्या, मम्मी जी को 3 टाइम बराबर घर का खाना ही चाहिए, मम्मी जी ना करने वाली कॉम्प्रोमाइज। अब मम्मी जी कभी ना कुछ करना पड़ेगा, खाने की वजह से बड़ा तंग करने लग गई है मम्मी जी अब हमें। डॉली
तुझसे आया तो मैं परेशान हूँ, तुझे तो अच्छे से पता है मुझे बाहर का खाना और चटपटा खाना कितना पसंद है, और मम्मी जी को प्रॉपर घर का खाना चाहिए, स्पेशली ना मम्मी के लिए खाना बनाना पड़ता है, ना बनाओ तो इनका मुंह ही बना रहता है। अरे भाभी जी आप अपना बता रहे हो, मैं तो आपसे ज्यादा परेशान हूँ, आप तो फिर भी खाना बना लेते हो, मेरा तो खाना बनाने का दिल ही नहीं करता है, मैं तो फ्रूट्स खा के भी काम चला लेती हूँ, आपको तो पता ही है मैं कितनी हेल्थ कॉन्शियस हूँ, मम्मी जी के पीछे प्रॉपर खाना बनाना पड़ता है। भाभी जी मेरे माइंड में एक आइडिया आया है, मम्मी जी को घर का खाना चाहिए होता है, क्यों ना हम ऐसा करें मम्मी जी का टिफिन ही लगा दें, उधर मम्मी भी खुश इधर हम भी खुश। वैसे किसी ने सही कहा है, एक अकेली माँ अपने सारे बच्चों को खाना खिला सकती है, लेकिन सारे बच्चे मिलके एक अकेली माँ को खाना नहीं खिला सकते।